हेलो स्टूडेंट्स मैं लाइव हूँ ठीक है आई थिंक कि मैं लाइव आ गया हूँ ठीक है इवनिंग गुड इवनिंग ठीक है लाइव हूँ मैं ठीक है uh, और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु अकेडमी में सो so, बच्चों आज का क्लास बहुत ही डेडिकेटेड होने वाला है ठीक है सर जी क्लास ट्वेल्थ के हिंदी है बिल्कुल बिल्कुल क्लास ट्वेल्थ की हिंदी कोई बेस बना के हमें चला रहे हैं बच्चों और ये हिंदी टेंथ वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी इलेवेंथ वालों के लिए भी होगी और नौ दस वालों के लिए भी होगी क्योंकि बच्चों अलंकार के क्लास है और अलंकार के क्लास में बच्चों हमने कल कुछ चीजें पढ़ी थी मैं आप लोग को याद दिला दूँ बच्चों ठीक है मैंने कल कुछ चीजें पढ़ा था पढ़ाया था मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था बच्चों किसे कहते हैं अलंकार के कितने प्रकार होते, है? होते हैं ठीक है अलंकार प्रकार होते हैं बच्चों और सबसे बड़ी चीज बच्चों अलंकार के जनक कौन है और यहाँ पे हम क्या था कल शब्द अलंकार के बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था ठीक है शब्द अलंकार को हमने क्या किया था बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था ठीक है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो हमने क्या किया था बच्चों शब्द अलंकार को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या अलंकार बच्चों आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार और बच्चों आज ही के क्लास में हम खत्म करेंगे अलंकार को आज के क्लास में हम अलंकार को खत्म कर देंगे बच्चों ठीक है और अलंकार को खत्म करने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे अगले क्लास की भी, भी तैयारी करेंगे ठीक है अगले क्लास में मैं आप लोग के लिए हो सकता है कि छंद लेके आऊं ठीक है तो बच्चों सभी लोग जुड़ गए हैं सभी लोग जुड़ गए हैं बच्चों लाइव क्लास में तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके और हिंदी का फायदा ले सके ठीक है गुड इवनिंग डियर गुड इवनिंग सभी लोग को गुड इवनिंग बच्चों ठीक है जल्दी से जल्दी जोड़ दीजिए आप लोग ठीक है एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ तब तक सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए ठीक है गुड इवनिंग डियर गुड इवनिंग ठीक है थोड़ा सा मैं एक मिनट के लिए पानी पीऊंगा और तब तक सभी लोग वीडियो सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे बेटा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके चाहे वह किसी भी क्लास के हो नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ठीक है जल्दी से जोड़ दीजिए सभी लोग बच्चों चलो बच्चों मैं आ गया पानी पीकर सीखे सभी लोग आप लोग भी जुड़िए ठीक है थीके? अब बच्चों क्या करना है हम एक चीज आप लोग से पूछूंगा क्लास ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं क्लास ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं बच्चों ठीक है उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और सभी लोग बेटा इसका सही जवाब देना सभी लोग सही जवाब देना सभी लोग ठीक है तैयार हो बच्चो कल जो मैंने पढ़ाया था आप लोग को शब्द अलंकार उससे एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन में फिर आप लोग से उसका सही से जवाब देखो सजना है मुझे ठीक है देखना ध्यान से सजना है मुझे ठीक है सजना है मुझे सजना सजना के लिए ठीक है बेटा क्या मैंने बोला सजना है मुझे सजना के लिए कौन सा अलंकार है बच्चों कौन सा अलंकार है जल्दी से अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार है कल मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ाया हुआ है अलंकार तो जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा अलंकार है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा आपके लिए जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन सा अलंकार है सजना है मुझे सजना के लिए कल का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन बच्चों कौन कल का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ बताइए कौन सा अलंकार है सजना है मुझे सजना के लिए आपने गाना तो सुना ही होगा ना सजना है मुझे सजना के लिए अरे बेटा जब गाना सुने हो तो बताओ कौन सा अलंकार है जल्दी से बताओ बेटा ठीक है जल्दी से बताओ रूपक एक जवाब आ रहा है रूपक और बताइए सभी लोग सभी का जवाब आना चाहिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोग जवाब दीजिए कौन सा अलंकार है ठीक है सही जवाब सभी लोग दिए यमक ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सही सही और बताइए बेटा और देखें किसका क्या जवाब आ रहा है जल्दी जल्दी जवाब दीजिए बेटा सभी लोग जल्दी जल्दी जितने लोग भी जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में सभी लोग जवाब दें बेटा बेटा कि क्या है ठीक है दो जवाब अब तक आए हुए हैं रूपक और यमक रूपक और यमक ठीक है रूपक और यमक और कोई जवाब देना चाहता है जल्दी से कमेंट करो बेटा जल्दी से कमेंट करो क्योंकि अब मैं शुरू करने वाला हूँ शब्द अलंकार के बाद आज अर्थालंकार ठीक है आज मैं अर्थालंकार शुरू करूंगा और पूरे बच्चों हम लोग क्या करेंगे जोश के साथ जोश के साथ हम लोग क्या करेंगे अर्थ अलंकार को भी जिस तरह से शब्द अलंकार को हमने खत्म किया था उसी तरीके से उसी जोश के साथ उसी जुनून के साथ ठीक है हम क्या करेंगे बच्चों अर्थ अलंकार को भी कवर करेंगे जल्दी से बता दीजिए सभी लोग जल्दी से बता सर जी वीडियो नहीं चल रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा आपके यहाँ ठीक है बाकी सब के यहाँ चल रहा है वीडियो बेटा सभी लोग क्लियर कीजिए वीडियो चल रहा है ठीक है सर जी पढ़ सकती हूँ ठीक है सर कल पढ़ सकती हूँ बिल्कुल बिल्कुल आप लाइन भी पढ़ सकते हो जिनको जाना है बेटा जा सकते हो कोई बात नहीं ठीक है जिनको जाना है जा सकते हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जिनको पढ़ना है बेटा बने रहिए सभी लोग ठीक है चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ ये कौन सा अलंकार है ठीक है क्या है बच्चों मैं आप लोग को बताता हूँ फ्रेंड्स आप लोग का ठीक है चल रहा है बिल्कुल ठीक है यमक ठीक है देखो एक बच्चे का बहुत ही प्यारा सा जवाब आया है दो बच्चों का जवाब आया था यमक अलंकार ठीक है जितने लोगों का भी बच्चों यमक अलंकार जवाब आया है बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल सही जवाब है बेटा देखिए क्या है सजना है मुझे सर गुड नाइट ठीक है शिवांगी बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है शिवांगी एंड क्षमा बेटा आप सभी का भी स्वागत है आप लोग तो बहुत ही डियर फ्रेंड्स हो मेरे ठीक है बाकी सभी लोग जुड़े रहिएगा और आज के वीडियो में बेटा आप लोग क्या करेंगे अर्थ अलंकार को कवर कर लीजिएगा हो सके बेटा तो जो मैं डिफिनेशन करवा रहा हूँ जो मैं डिफिनेशन करवा रहा हूँ उसको आप लोग बच्चों डिफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी लिख ली लीजिएगा ठीक है अब यहाँ पे आप लोगों ने बताया सजना है मुझे सजना के लिए मैं कौन सा अलंकार था बच्चों यमक अलंकार है क्योंकि एक सजना का मतलब होता है सवरने वाला ठीक है ये क्या है कोई क्या होती है बच्चों जो क्या बोलते हैं आप लोग एक्ट्रेस जो होती है जिसे आप लोग हीरोइन कहते हो ठीक है या फिर कोई भी नायिका जो होगी वो किसके लिए सजती है जो नायिका होती है बच्चों वह किसके लिए सजती है अपने सजना के लिए अर्थात बच्चों अपने प्रेमी के लिए ठीक है तो क्या करती है कहती है नायिका अपने सहेलियों से क्या कहती है इसका जवाब क्या होगा समझिएगा सिंपल सा नायिका अपने सहेलियों से कहती है बच्चों कि मुझे सजना है सजना है अर्थात बच्चों सवरना है ठीक है अपने आप को तैयार करना है सवरना है किसके लिए बेटा अपने सजना के लिए अपने प्रेमी के लिए बच्चों क्लियर है, है यहाँ पे सजना और सजना दोनों ही शब्द रिपीट हुए हैं बच्चों एक ही शब्द है लेकिन, लेकिन इनके भिन्न भिन्न अर्थ निकले हुए हैं अर्थात यह है, यमक अलंकार है क्या है बच्चों यमक अलंकार है जिनका भी यमक अलंकार है जवाब आया था बिल्कुल सही जवाब था बच्चों बिल्कुल सही जब आप था उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बेस्ट ऑफ बच्चों आज का सिर्फ छोटा लोग से एक था, अब हम क्या करेंगे बच्चों ना अर्थालंकार को शुरू करेंगे, करेंगे, अर्था करेंगे, अर्था करेंगे हाई डियर ठीक है गुड इवनिंग सभी को एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ सभी लोग का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु अकेडमी पे सभी लोग का बच्चों में स्वागत करता हूँ ठीक है सभी लोग को हाई हेलो ठीक है और बच्चों बनिए देखिए कितना धुआंधार क्लास होने वाला है आज अड़ताल अंकार को बच्चों हम लोग कवर कर देंगे आज अड़ताल अंकार भी पछताएगा कि किस चैनल पे पढ़ाया जा रहा हूँ क्योंकि इतनी खतरनाक तरीके से किसी ने कवर नहीं किया होगा बेटा जिस तरीके से आज आप लोग इसका पोस्टमार्टम करने वाले हो ठीक है मेरे साथ आप लोग भी पोस्टमार्टम में आ रहे हो ना सभी लोग जुड़े हुए हो ना तो जुड़े रहो बेटा देखो किस तरह से हम एग्जाम बोर्ड एग्जाम को बेटा बिल्कुल हम लोग आसान करेंगे लेकिन जुड़े रहिएगा ये नहीं है बेटा कि भाग जाना सर जी रात भर जग के पढ़ाते रहे और आप लोग किनारे से निकलते रहो सभी लोग गुड नाइट बोल बोल के भागते रहो ठीक है जुड़े रहना बेटा सभी लोग आपके लिए मैं इतनी रात को मेहनत कर रहा हूँ ठीक है दिन भर आप लाइन क्लास लेने के बाद बेटा दिन भर ऑफलाइन क्लास लेने के बाद मैं थक जाता हूँ लेकिन आप लोग लाइव आ जाते हो तो मेरा दिल क्या होता है बच्चों बहुत ही मैं खुश हो जाता हूँ और मुझे मन करता है कि मैं पढ़ाऊ आप लोग को ठीक है बहुत ही इसीलिए मैं आप लोग के लिए देखिए ये मेरे हैंड रिटेन नोट्स है हैंड रिटेन नोट से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ बच्चों ठीक है हैंड सर का है आप लोगों का ठीक है बच्चा चलिए उपमा अलंकार पहला पढ़ेंगे अर्थ अलंकार में कौन सा बच्चों उपमा अलंकार एक चीज बता दू अलंकार होता क्या है मैंने क्या बताया था बेटा कल क्लास के शुरुआत में अर्थ अलंकार किसे कहते हैं बच्चों ठीक है किसे कहते हैं बच्चों अर्थ अलंकार किसे कहते हैं बच्चों अर्थ अलंकार उन्हें कहते हैं वे शब्द जो क्या हुए जिन वाक्यों में अर्थों के द्वारा बच्चों चमत्कार उत्पन्न होता है अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो बच्चों उन्हें अर्थालंकार कहते हैं ठीक है आइए अर्थालंकार का पहला प्रकार पढ़ते हैं बच्चों उपमा अलंकार उपमा अलंकार उपमा अलंकार क्या पढ़ेंगे बच्चों उपमा अलंकार सभी लोग तैयार हो बच्चों सभी लोग तैयार हो ठीक है सभी लोग सर जी क्लास ट्वेल्थ में समास नहीं है नहीं नहीं क्लास ट्वेल्थ में समास नहीं है क्लास ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट समास नहीं है बेटा ठीक है आप लोग समास नहीं पढ़ेंगे बाकी टेंथ वाले हमारे बच्चे पढ़ेंगे वाले हमारे बच्चे समास पढ़ेंगे लेकिन ट्वेल्थ वाले हमारे बच्चे समास नहीं पढ़ेंगे ठीक है बच्चों आइए उपमा अलंकार को हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार दो समान गुणों वाली चीजों की तुलना करना समझ गए बेटा दो समान गुणों वाली चीजों की तुलना करना या मापना आप लोग का क्या कहलाता है बच्चों उपमा अलंकार कहलाता है समझ रहे हो बेटा नहीं समझ में आता बेटा क्या करो कमेंट करो सर नहीं समझ में आ रहा है ठीक है वादा करता हूँ बेटा वादा करता हूँ जब तक समझा नहीं दूंगा तुम्हें ना तब तक दम नहीं लूंगा ठीक है रुकूंगा नहीं भले एक क्लास एक घंटे की हो जाए आधे घंटे से लेकिन समझा के ही जाऊंगा ये मेरा आपसे वादा है समझा के ही आपको मैं जाऊंगा बेटा ठीक है आज अर्थालंकार खत्म करेंगे हम लोग चाहे वो पंद्रह मिनट में खत्म हो चाहे बीस मिनट में बच्चों ठीक है लेकिन आज अर्थालंकार हम क्या करेंगे बच्चों कंप्लीट करेंगे ठीक है यमक अनुप्रास अलंकार बेटा भी पढ़ाता हूँ अनुप्रास भी अभी पढ़ाता हूँ ठीक है अनुप्रास भी अभी पढ़ाऊंगा बच्चों यमक भी पढ़ाऊंगा सॉरी यमक तो पढ़ा दिया है ठीक है उपमा भी पढ़ाऊंगा थोड़ा सा धैर्य रखिए बच्चों ठीक है थोड़ा सा धैर्य रखिए ठीक है एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा आप सभी लोग ठीक है ठीक है थोड़ा सा रुक जाइएगा एक मिनट ठीक है चलो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो था यहाँ पे यहाँ पे ध्यान से देखो ठीक है मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपकी दूर करता हूँ थोड़ी सी कंफ्यूजन क्या करता हूं दूर करता हूं यहां देखो ध्यान से बेटा सभी लोग देखो शब्द अलंकार और शब्द अलंकार का पहला प्रकार क्या बताता है अनुप्रास अलंकार और ये हम कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं बेटा तो यदि आपने कल की वीडियो नहीं ज्वाइन की थी तो उसे देख लीजिएगा बेटा अनुप्रास अलंकार आपका खत्म हो चुका है ठीक है जिन्होंने भी कमेंट किया था बेटा अनुप्रास अलंकार ठीक है माय डियर स्टूडेंट बेटा क्या करो आप पिछली वीडियो को आप देख लेना उसमें कवर हो जाएगा आपका ठीक है बेटा आज हम उपमा अलंकार यानी अलंकार पढ़ने वाला है समझ अबू? सभी लोग समझ गए ठीक है समझ गए ना चला क्या बता रहा हूं अलंकार और आप पूछ रहे हो शब्द अलंकार जो कि मैंने कल का आपको पढ़ा दिया है ठीक है बेटा आपने पूछा हमसे अलंकार और हम ठीक है सॉरी शब्द अलंकार हम कर... आज पढ़ रहे हैं अलंकार

कि उपमा अलंकार समझने के लिए उपमा अलंकार एक्चुअली बेटा थोड़ी सी गलती से मैं अर्थालंकार बोल दिया हूँ थोड़ा सा आप लोग समझिएगा ठीक ठीक है है जो अभी अभी मैं मैं बोला इसके लिए उपमा अलंकार की ए, मैं डिफिनेशन आप को बता रहा बेटा दो समान गुड़ों वाली चीजों के करना आप लोग का क्या कहा जाता है बच्चों उपमा अलंकार यही हमने गलती कर दी थी अभी अर्थालंकार बोल दिया था ठीक है तो सॉरी इसके लिए ठीक है आप लोग सही से सही डिफिनेशन याद कीजिएगा क्योंकि आप बोर्ड वाले बच्चे हो बेटा आप गलती मत लिखिएगा ठीक है यदि मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो मैं सॉरी बोल के आप लोग का सही कर दूंगा ठीक है बच्चों यदि आप लोग को लगे की हाँ सर आप थोड़ी सी गलती बता रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हो बेटा क्योंकि जल्दी जल्दी में कभी कुछ गलत चीजें निकल जाए तो आप बिल्कुल सही से उस चीज को सही से पढ़ के जाइएगा बोर्ड एग्जाम आपको देना है बेटा ठीक है तो कोई भी कंफ्यूजन मत पा लीएगा ठीक है चलिए आइए देखते हैं उपमा के चार भेद होते हैं बच्चों ठीक है उपमा के क्या होते हैं बच्चों चार अंग होते हैं उपमा के जो होते हैं चार अंग होते हैं कौन कौन से बेटा उपमा अंकार को समझने के लिए इन चारों अंगों को समझना बहुत जरूरी है यहाँ आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है चारों अंग पहला दूसरा तीसरा चौथा समझिए पढ़िए आखिर है क्या उपमे पहला कौन है बच्चों उपमे जिसकी तुलना की जाए जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों उपमेय कहते हैं दूसरा है बच्चों उपमान जिससे तुलना की जाती है किसी की आप तुलना करोगे तो किसी से करोगे ना ठीक है बच्चो तुलना करोगे सर जी उपमा अलंकार का उदाहरण मुख मानो चंद बिल्कुल बेटा बिल्कुल 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 अभी अभी कराऊंगा और बहुत ही आपको ठीक है जो भी जानकारी है बेटा उसके लिए बहुत बहुत ही आपको भाई हो बहुत सारी चीजें हैं ठीक है थीके, जो मैं आज आप लोग को समझाने वाला हूँ ठीक है चलिए दूसरा क्या बताऊ उपमेय बच्चों जिसकी तुलना की जाए उपमान जिससे तुलना की जाए साधारण धर्म क्या होता है बच्चों किस गुड़ या धर्म की तुलना कर रहे हैं किसी की तुलना करेंगे बच्चों तो किसी गुड़ धर्म से करेंगे ना बच्चों किसी गुड़ या धर्म से तुलना करेंगे वाचक शब्द क्या होगा बच्चों चांद सा या चांदी सी क्या होगा बच्चों चांद सा या वाचक शब्द होते हैं इनके ठीक है आइए देखते हैं बच्चों ठीक है इनको और अच्छी तरीके से जैसे बच्चों ऐसा जैसा ज्यो सदृश समान सरिस आदि ये इनके क्या है ठीक है ये आप लोग के पहचानने के शब्द कुछ मिल जाएंगे आप लोग को आइए देखते हैं ठीक है आइए देखते हैं बच्चों क्या है बच्चों चांद सा सुंदर मुख ठीक है अब देखो बच्चों अब आ गई बात उसकी ठीक है अब क्या होता है बच्चों कि कहा जा रहा है कि मुख कैसा है चांद सा सुंदर है कैसा है बेटा चांद यहाँ पे क्या कर रहा है प्रेमिका जो प्रेमी जो है अपने प्रेमिका की क्या कर रहा है बच्चों बड़ाई कर रहा है कह रहा है कि चांद सा सुंदर मुख वाह क्या बात है चांद सा सुंदर मुख यहाँ पे बच्चों उपमे क्या है उपमान क्या है और बच्चों साधारण धर्म क्या वाचक शब्द क्या ये समझना है चांद सा सुंदर मुख बात किसकी की जा रही है बच्चों किसकी तुलना की जा रही है मुख की मुख की तुलना की जा रही है बच्चों उपमे हुआ किस से की जा रही है बच्चों चांद से की जा रही है उपमान हुआ साधारण क्या है साधारण धर्म क्या होता है बच्चों जिस गुण या धर्म की तुलना की जा रही है किसकी तुलना की जा रही है बच्चों सुंदरता की तो साधारण धर्म इसमें सुंदर हुआ वाचक शब्द क्या हुआ बच्चों सा बीच में वाचक शब्द क्या हो गया सा हो गया क्लियर है सभी को एग्जाम्पल समझ में आया चंद सुंदर मुख चांद सा सुंदर मुख अर्थात बच्चों प्रेमी ने अपने प्रेमिका की तारीफ की कि आपका मुख जो है बिल्कुल चांद सा सुंदर है ठीक है क्या है बच्चों आपका मुख जो है बिल्कुल चांद सा सुंदर है प्रेमी ने प्रेमिका की तुलना की बात की उनकी तारीफ की तो मुख की बच्चों क्या हुई बच्चों मुख तुलना की गई तो इसलिए उपमेय हुआ किससे की गई चांद से इसलिए उपमान हुआ ठीक है और किस गुण धर्म की तुलना हुई उसकी सुंदरता की आपका साधारण धर्म हुआ और बच्चों क्या है यहाँ वाचक शब्द कौन है बीच में सा वही तो बचा हुआ है ठीक है क्लियर है नेक्स्ट एग्जाम्पल एक, एक और देखते हैं बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ठीक है देख लिया आपने पढ़ लिया इसको पढ़ लिया सभी लोगों ने चलिए देखते हैं क्या है बच्चों हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी समझो बेटा क्या कह रहा है कि हाय वह जो बच्ची थी बच्चों फूल सी कोमल थी समझ रहे हो चेला सभी लोग समझ रहे हो बेटा क्या मैं बोल रहा हूं बेटा समझना समझोगे तभी अच्छा करोगे बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे आप अपने एग्जाम में क्या कह रहा हूँ बच्चों हाय फूल सी कोमल हुई की क्या कह रहा है ना की जा रही है। किसकी की जा रही है बच्ची की जिसकी तुलना की जाती है बच्चों, वह आपका उपमेय होता है जिसके किससे की जा रही है बच्चों? फूल से वह आपका उपमान होता है ठीक है किस गुण धर्म की, की जा रही है बच्चों जो सी बचा हुआ है आप लोग का वाचक शब्द हो जाएगा क्लियर है सभी को समझ में आ रहा है बेटा सभी को समझ में आ रहा है बिना जाना मत सभी लोग ठीक है लाइक ठोक ना बेटा क्लियर है ना चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं ठीक है और यहाँ पे देखिए ध्यान से नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग का क्या है बच्चों पीपर पात सरिश मन डोला पीपर पात सरिस मन डोला अर्थात बच्चों उसका मन जो है पीपर के पत्ते के समान डोल रहा है ठीक है तो जिसकी तुलना की गई हो आपका क्या हुआ बच्चों उपमेय हुआ किससे तुलना की जा रही है पीपर पात ये आपका क्या हुआ बच्चों उपमान हुआ ठीक है और किस गुण धर्म की, की जा रही है बच्चों डोल रहा है डोलना का मतलब क्या होता है हिलना आता है बच्चों हिलना तो साधारण सुवाचक शब्द हो गया क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे देखिए मुख चंद्र सा है मुख चंद्र सा है, है बच्चों क्या है मुख चंद्र सा है यहाँ पे तीन ही चीज दी गई है मुख की तुलना की जा रही है ठीक है अगले देखिए बच्चों चरण यहाँ पे देखिए मुख है सुंदर चंद्र सो ठीक है कमल कोमल कमल समान मुख है सुंदर चंद्र सो कोमल कमल समान ठीक है अब यहाँ पे बच्चों मुख है चंद्र सुंदर चंद्र सो यहाँ पे मुख की तुलना की जा रही है ठीक है बच्चों किसकी मुख की ठीक है क्या है बच्चों मुख की तुलना की जा रही है किससे की जा रही है चंद्रमा से ठीक है कोमल कमल समान यहाँ पे देखिए बच्चों कोमल कमल एक बार फिर कमल शब्द आ गया कमल शब्द आ गया दो दो उपमान आ रहे हैं बच्चों यहाँ पे दो दो उपमान आ रहे हैं आगे देखते हैं बच्चों अब आप अगला आप लोग का रूपक अलंकार आएंगे आप लोग यह अलंकार समझ गए उपमा अलंकार सभी लोग को समझ में आया बेटा उपमा अलंकार तो बोलो यस सर सभी लोग को समझ में आया बेटा उपमा अलंकार तो बोलो यस सर ठीक है अब रूपक अलंकार पढ़ा जाए ठीक है ठीक है क्या किया जाए बेटा है सर जी है ठीक है बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल रूपक अलंकार क्या किया जाए बच्चों रूपक अलंकार आप लोग का पढ़ा जाए तैयार हो सभी लोग रूपक अलंकार पढ़ने के लिए सभी लोग बोलो यस सर सभी लोग बोलिए यस सर ठीक है रूपक अलंकार के लिए तैयार हैं, ठीक है देखो बेटा रूपक अलंकार होता क्या है एक बार आप लोग को डिफिनेशन लिख, लिखी गई है ऊपर पढ़ लीजिए उसके बाद हम आपको समझाते हैं ठीक है ठीके? सभी लोगों ने पढ़ लिया बेटा आइए देखते हैं रूपक अलंकार गुड़ो की अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप होता है ठीक है गुड़ों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप होता है बेटा समझ लेना चेला भागना मत देखो कितनी जबरदस्त बात बता रहा हूं ठीक है जो मैं आज आप लोग को बता रहा हूं इतनी आसानी से कोई आपको नहीं बताएगा कोई नहीं बताएगा बेटा पूरी गारंटी है मेरी ठीक है देखिए क्या कह रहा है गुड़ों की अत्यंत समानता के कारण अर्थात बच्चों इनका गुड़ इतना समान हो जाता है कि उपमेय पर उपमेय कौन होता है बेटा जिसकी तुलना की जाती है उपमान का आरोप हो जाता है किसका बच्चों उपमान का आरोप हो जाता है उपमान कहता है कि हम ही उपमेय है देखिए बच्चों कैसे देखिए कैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे अच्छी तरीके से है देखो बेटा क्या कह रहा है मुख्य कमल है अर्थात क्या है इनके गुण इतने करीब आ गए इतने करीब आ गए इतने करीब आ गए कि कह रहा है कि मुख कमल है अर्थात मुख बिल्कुल कमल के समान नहीं है कह रहा है कह रहा है कि मुख कमल है अर्थात उपमेय ठीक है उपमान ने उपमेय पे क्या कर दिया बच्चों आरोप कर दिया उपमेय पर उपमान का आरोप हो गया कह रहा है ना बच्चों कि मुख बिल्कुल कमल है अर्थात बच्चों ने कि मुख कमल के समान है मुख कमल ही है मुख कमल ही है गुणों की अत्यंत समानता हो गई है अर्थात बच्चों कि जो उसका मुख है वह बिल्कुल इतना कमल के समान है इतना कमल के समान है कि मानो कि मुख कमल ही है इसलिए कहा गया कि मुख कमल है बच्चों कमल है इसीलिए उपमेय पर उपमानकार सिचुएशन आती है बच्चों तो इसी को रूपक अलंकार कहते हैं इसी को रूपक समझो ना बेटा यही रूप 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 का मतलब क्या होता है बिल्कुल उसका स्वरूप ऐसा है कि बिल्कुल उसके जैसा है कहते हैं ना कि वो उसी के रूप का है अरे बिटवा समझ रहे हो समझ रहे हो चेला सभी लोग मैं क्या कह रहा हूँ रूप बिल्कुल समान हो रूप बिल्कुल क्या हो बच्चो समान हो रूप इतना समान हो कि उपमेय पर उपमान का आरोप उप हो जाए एक दूसरे में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाए इसी को तो कहते हैं रूपा कलंकार समझे चेला सभी लोग समझ रहे हो चेला लोग सभी लोग समझ रहे हो बोलो यस सर ठीक है बोलो यस सर समझ में आ रहा है तो बोलो यस सर बेटा मुख कमल है समझ गए समझ गए सभी लोग लो, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है मुख क्या है बच्चों, कमल है अब देखिए बहुत ही जबरदस्त 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 आपके लिए एग्जाम्पल बच्चों ठीक है ठीक है क्या है बच्चों आपके लिए मुख सुंदर है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अब क्या है बच्चों कि एकदम जबरदस्त एग्जाम्पल एक आपके लिए आया है सभी लोग पढ़िए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो क्या है बच्चों पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वाह क्या बात है बच्चों थोड़ा सा इसको मैं डिफाइंड अभी करूंगा तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा थोड़ा सा आप लोग इसका खुद अर्थ निकाल के देखिए खुद अर्थ निकाल के देखिए कितना मजा आ रहा है निकालिए सभी लोग इसका अर्थ बच्चों खुद अर्थ निकालिए सभी लोग ठीक है खुद अर्थ निकालिए मजा आ रहा है हिंदी के क्लास में बेटा बोलो यस सर मजा आ रहा है ठीक है बोलिए यस सर मजा आ रहा है सभी लोग बोलिए यस सर ठीक है बेटा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो देखो मैं बहुत बुरा गाता हूं लेकिन ठीक है नहीं तो यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्लास को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आगे देखते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो यहाँ पे बच्चों देखिए क्या कह रहा है कि मैंने कह रहा है, है सुनिए कि मैंने पा लिया है क्या पा लिया बेटा राम रतन ठीक है राम रतन राम के जैसा रतन धन पा लिया है राम के जैसा रतन नहीं कहा गया यहाँ पे राम रतन ठीक है उसने बिल्कुल राम रूपी रतन को ही पा लिया ठीक है सर जी आप कहाँ के हो बेटा हम यूपी के हैं ठीक है हम यूपी के हैं यूपी के एक बहुत ही प्यारे से जिले आजमगढ़ के बगल में एक जिला पता है जिसका नाम है बच्चों क्या नाम है मऊ जिला हम उसी छोटे से जिले से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी सी दुनिया है बच्चों बहुत ही प्यारी सी दुनिया है हमारा कोचिंग क्लासेज ऑफलाइन का भी है स्कूल भी हमारा है और बहुत ही प्यारे प्यारे से हमारे स्टूडेंट्स भी हमसे जुड़े हुए हैं जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग क्लासेज में है ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में भी हमारे प्यारे प्यारे से स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं हमसे और हमारे बच्चों सबसे अच्छी चीज है जो हमारा टीचिंग स्टाफ है वो बहुत ही प्यारा है तो हमारे विद्यालय का हो बच्चों हमारे कोचिंग का हो या फिर ऑनलाइन के सभी हमारे टीचिंग स्टाफ बहुत ही प्यारे हैं सभी मेरे फ्रेंड्स प्यारे हैं ठीक है बेटा समझ गए आपने पूछ लिया संतुष्टि हुई बेटा समझ गए मेरे सवालों के जवाब आपको आपके सवालों के मुझसे मिल गया देखिए क्या कह रहा है बच्चों पायो जी मैंने राम रतन धन पायो कह रहा है ये नहीं कह रहा कि राम के रतन हमने बिल्कुल राम रतन पा लिया है राम जैसा रतन नहीं राम रतन ही पा लिया है इसीलिए बच्चों ये कौन सा हुआ उपमे उपमेय कौन है रतन और उपमान कौन हुआ बच्चों राम यहाँ पे उपमेय का उपमान पे आरोप हो गया क्लियर है बच्चों ठीक है उसी तरह से बच्चों चरण कमल हरी राई चरण कमल हरी राई यहाँ देखिएगा ध्यान से ठीक है ध्यान से देखिएगा क्लास ट्वेल्थ एजुकेशन बेटा शुरू होगी क्लासेज थोड़ा सा टाइम है थोड़ा सा टाइम है बच्चों क्लासेज शुरू होगी ठीक है बच्चों क्लासेस शुरू होगी सभी क्लासेस शुरू होगी थोड़ा सा टाइम है बेटा बोला हूँ ना सभी चीजें एक ही दिन नहीं हो जाती है विश्वास रखिएगा आप लोग एस सर के साथ जुड़े हुए हैं तो एस सर बच्चों अपने वादे के बहुत पक्के हैं ठीक है वादे के बहुत पक्के हैं यदि वह कह दिए कि कुछ होगा तो कुछ होगा ठीक है लेकिन कंफर्म नहीं करूंगा अभी आप किसी चैनल से यदि पढ़ रहे हैं कापी किताब से अपने पढ़ रहे हैं तो बेटा उसी तरह से पढ़ाई जारी रखिएगा हाँ कोशिश करूंगा यदि चल गया तो बेटा चल गया ठीक है चलिए आगे देखते हैं चरण कमल बंदो हरी राई चरण कमल चरण जो है बच्चों कमल है अर्थात उपमेन उपमान पर चरण क्या है बच्चों उसका इतना सुंदर है कि वह कमल के समान हो गया ठीक है बच्चों चरण क्या है बच्चों कमल चरण कमल है अर्थात उनके चरण की तुलना कमल से की गई बच्चों लेकिन उनके गुण इतने आसान है सॉरी इतने समान है रूप उनके इतने समान है बच्चों ठीक है कि इन्हें हम क्या कह सकते हैं कौन सा अलंकार है कौन सा अलंकार पड़ रहे हो देखो यहाँ पे ध्यान से भागना मत ठीक है यहाँ पे कहा गए जी एक मिनट रुक जाना थोड़ा सा बहुत नीचे कर दिए देखो यहाँ पे ये यह कौन सा अलंकार है रूपक अलंकार क्या है बच्चों इसकी डिफिनेशन क्या थी गुणों की अत्यंत समानता ती का पागल थोड़े है जो आपको बता रहा है ये कह रहा है चरण कमल बंदो हरी राई ठीक है चरण कमल यस सर वेरी नाइस थैंक यू बेटा ठीक है क्या कहने बच्चों चरण कमल बंधु है अर्थात बच्चों चरण उनके कमल के समान है अर्थात इनके गुण इतने करीब है कि चरण कमल हो गया यहाँ पे चरण कमल हो गया तो उपमे ने उपमान पे आरोप कर दिया समझ गए बेटा उपमे ने उपमान पे क्या दिया आरोप कर दिया सभी लोग समझिएगा ध्यान से कि रूपक अलंकार उपमा अलंकार में अंतर क्या है रूपक अलंकार उपमा अलंकार में अंतर क्या है रूपक अलंकार कहता है बच्चों कि बिल्कुल गुड़ समान है वो वही चीज है ही जैसे मुख चंद्र है अभी अभी बोला था ना लेकिन वही यदि आपका उपमा अलंकार में होगा तो उसको उपमा दी जाती है उपाधि दी जाती है कि वह उसके समान है समझे वह उसके समान है सर आप बेस्ट टीचर हो थैंक यू बेटा ठीक है बेस्ट टीचर हूँ बेटा और, और अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के साथ में हर रोज जुड़ जुड़ के कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करूंगा कोई बेटा बेस्ट नहीं होता है कोई यदि कहा जाए बेस्ट नहीं होता है है बेटा लेकिन कोशिश इंसान करता है, अच्छा होने की ठीक है अच्छा करने की कोशिश करता है ये नहीं कि कोई परिपक्व होता है एक चीज बेटा मेरी नसीहत सदैव ध्यान दीजिएगा कोई व्यक्ति सदैव पूर्ण नहीं हो पाता है बेटा ठीक है सदैव पूर्ण नहीं हो पाता है बच्चों लेकिन क्या है की कोशिश करनी चाहिए हमें जितना हो सके सीखने की हर रोज मैं आपसे कुछ सीख रहा हूँ तो आप भी मुझसे कुछ सीख रहे हो मुझे अपने आप पे बच्चों गर्व है लेकिन घमंड नहीं है मुझे गर्व है कि मैं सारी चीजों को कवर कर पा रहा हूँ लेकिन घमंड नहीं है कि मैं ही सिर्फ कर पा रहा हूँ ठीक है बेटा यू आर द बेस्ट टीचर थैंक यू सर ठीक है थैंक यू फॉर की कोशिश करता है ठीक है तो मैं आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कभी घमंड मत कीजिएगा कभी घमंड मत कीजिएगा सर मुझे ये चीज आ रही है तो इससे आगे नहीं हो सकता है बेटा आप पढ़ोगे उस चीज को आगे करोगे तो बहुत सारी चीजें उसमें आपको मिलेंगी ठीक है ना बेटा चलिए तो बच्चों आते थिंक आप लोग रूपक अलंकार और किसमें बच्चों रूपक अलंकार और रूपमा अलंकार में भेद समझ गए ठीक है अब आइए उत्प्रेक्षा अलंकार समझते कौन सा अलंकार बच्चों उत्प्रेक्ष को समझते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं एक बार आप लोग इसकी डिफिनेशन पढ़ लीजिए ठीक है एक बार आप लोग इसकी डिफिनेशन पढ़ लीजिए उसके बाद में आप लोग को क्या करता हूँ बच्चों इसके बारे में बताता हूँ जल्दी से सभी लोग डिफिनेशन पढ़ लो बेटा चलो आई थिंक ये पढ़ लिया होगा आप सभी लोगों ने अरे भाई पढ़ लिए चेला पढ़ लिए सभी लोग चलो उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं ठीक है उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार की थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू ठीक है आपका बहुत बहुत धन्यवाद है ठीक है एंड मेरे पास शब्द नहीं है आपकी बड़ाई करने के लिए ठीक है बस इतना मैं कह सकता हूँ चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार को देखते हैं बेटा जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए ठीक है सर जी आप मॉडल पेपर बता दीजिएगा ठीक है बिल्कुल बेटा बता दूंगा करवा भी दूंगा बेटा इस चैनल पे आप लोग को प्रीवियस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा और बच्चों एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं अपने हाथों से बनाया हुआ हैंड रिटर्न मॉडल पेपर करवा दूंगा बच्चों और गवर्नमेंट जो आपको देगा मॉडल पेपर क्योंकि एग्जाम के पहले जो गवर्नमेंट देगा वो भी मैं आपको करवाऊंगा ठीक है क्लियर है चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार को समझते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार कहते किसे हैं जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ठीक है जहां एक वस्तु में दूसरे वस्तु की क्या की जाए बच्चों, संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जैसे नेत्र मानो कमल नेत्र मानो कमल संभावना है यह संभावना है कि नेत्र कमल के समान है ठीक है यहाँ एक वस्तु की दूसरे वस्तु में क्या की जा रही है बच्चों क्या की जा रही है एक वस्तु की दूसरे वस्तु में संभावना की जा रही है तो क्या है बच्चों उपमेय है क्योंकि नेत्र की ही आप लोग क्या कर रहे हो बच्चों नेत्र की ही आप लोग तुलना कर रहे हो किससे कर रहे हो कमल से कर रहे हो इसलिए कमल आप लोग का उपमान है क्लियर हो गया सभी को समझ में आ रहा है बेटा सभी को समझ में आ रहा है बोलो यस सर ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे चला एक चीज तो समझ समझ जाओ सभी लोग। सभी लोग लोग जाना ठीक है एक चीज समझ जाना, समझ जाना बेटा धुआं धुआं तो आप लोग मचा दोगे मेरे बच्चे गर्दा गर्दा तो मचा देंगे मुझे विश्वास है मेरे बच्चे जहां भी रहेंगे गर्दा मचा देंगे धुआं धुआं उड़ा देंगे लेकिन बेटा क्या कीजिएगा कभी घमंड मत कीजिएगा बस एक कभी घमंड मत कीजिएगा कि आप ही बेस्ट हो हम ही बेस्ट हैं बेटा रोज कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश कीजिएगा सीखेंगे आप तभी बेटा सीखेंगे आप तभी जब आप एक मूर्ख बन के किसी से कुछ सीखेंगे मूर्ख यदि आप बन के लिए तो मिलेगा और आपका ज्ञान आगे बढ़ेगा समझे बेटा आप हमेशा मूर्ख बन के कोशिश कीजिए नई चीजों को सीखने की समझ गए बेटा यदि आपको कुछ नया जीवन में कुछ करना है तो मूर्ख बने रहिए क्या बने रहिए बच्चों मूर्ख बने रहिए लोगों को लगे अरे तो बिल्कुल पागल है ठीक है क्या है बच्चों पागल है लेकिन वही पागल एक इतिहास रच देगा बच्चों क्या होता है एक जुनून होता है इंसान के अंदर क्या होता है बच्चों जुनून होता है यदि आपको इतिहास रचना बच्चों सर नेटवर्क इशू है ठीक है नेटवर्क इशू बच्चों आई थिंक की मेरे यहाँ बहुत ही अच्छा नेटवर्क है बच्चों बहुत ही अच्छा नेटवर्क है प्रेजेंट टाइम में ठीक है तो सभी लोग बताइएगा क्या सच में नेटवर्क इशू है चलो मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों अपने सपने को पूरा करने के लिए पागल बनना पागल बनना पड़ता है तो ये नहीं कहूंगा कि वो वाला पागल बन जाओ कूड़ा कर कट जाके बीटो ढूंढने लगो लेकिन क्या करना है बच्चों आपको अपने पढ़ाई के प्रति पागल बनना है पढ़ाई के प्रति पागल बनना है लोग जिस दिन आपको पागल कहने लगे ना समझ जाओ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो समझ जाओ आप कुछ करने वाले हो आप अच्छा करने वाले हो पढ़ाई इतनी करो कि घर वाले मना करने लगे अरे बेटा कम पढ़ो पागल हो जाओगे जिस दिन किसी ने आपको कह दिया बेटा उस दिन समझ जाओ कि आप कुछ नया कर रहे हो आप नया कर रहे हो आप कुछ करने वाले हो लाइफ में अपने समझ गए बच्चों? आई थिंक कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सभी लोग समझ रहे हो सभी लोग समझ रहे हो यस yes, सर जी नेटवर्क ठीक है ठीक है चलिए बच्चों हो गया चलिए ठीक है अब यहाँ पे देखें बच्चों एक एग्जाम्पल लास्ट आप लोग का उस काल मारे क्रोध के तनकाप ने उसका लगा उस काल मारे क्रोध के तनकाप ने उसका लगा मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा सुनिएगा ध्यान से उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उस का लगा क्लियर है बच्चों आवाज जा रही है सभी को एक मिनट बेटा थोड़ा कमेंट करके बताओ आवाज जा रही है कमेंट करके बताओ थोड़ा सा सभी लोग कमेंट करो बेटा जल्दी से कमेंट करो सभी लोग आवाज जा रही है तो मैं पढ़ाऊंगा आगे कमेंट करके बताना थोड़ा सा नेटवर्क इसको अभी हमने सही किया है ठीक है सभी लोग बताएं आवाज जा रही है आवाज जा रही है तो कमेंट करके कर 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 बताओ बेटा वेरी गुड वेरी गुड ठीक है हाँ बेटा जो एक क्वेश्चन पूछ रहे सर जी पेपर कब होगा बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा किसी भी ऐसे व्यक्ति पे विश्वास मत कीजिएगा जो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे ठीक है मैंने इसके लिए एक प्रॉपरली वीडियो बना रखी है कि विश्वास कैसे आपको करना है बेटा देखिए पेपर के बारे में जो जानकारी मुझे मैं आपको बताता हूँ कि पेपर जो है बच्चों कि अभी तक कोई फिक्स डेट नहीं आया है जो लोग भी आपको बता रहे हैं बेटा सब गलत न्यूज है सब गलत न्यूज है यूपी बोर्ड ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है सभी लोग एक पे आपको बता रहे हैं तो आई थिंक बेटा बेटा पेपर जो जो भी होगा होगा मैं वही जानकारी आप लोग को दूंगा बेटा, जो मुझे पता सब ठीक है गवर्नमेंट के आदेश का मैं तब तक इंतजार करूंगा बेटा जब तक की नोटिफिकेशन नहीं आ जाती जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आ रही है बेटा ठीक है जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आ रही है मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा वैसे फेब में एग्जाम नहीं होगा आप लोग टेंशन मत लीजिए फरवरी में एग्जाम नहीं होगा ठीक है ठीक है फरवरी में एग्जाम नहीं होने के चांसेस है अभी तक गवर्नमेंट का कोई बच्चों लिखित नहीं आया हुआ है इसलिए मैं कन्फर्म तो नहीं कर सकता लेकिन इतना समझ जाइए जो लोग भी जो लोग भी गलत वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे बहुत गलत कर रहे हैं बेटा बहुत ही गलत कर रहे हैं किसी भविष्य के नहीं करना चाहिए यदि समझ जाओ बेटा यदि किसी बच्चे ने ठीक है किसी बच्चे ने बच्चों यह सुन लिया कि फरवरी में एग्जाम है और इसकी तैयारी नहीं हुई है तो क्या होगा बच्चों वो डिप्रेशन में चला जाएगा वो क्या हो जाए डिप्रेशन में चला जाएगा जो उसे पढ़ना चाहिए वो भी नहीं पढ़ पाएगा ठीक है तो क्या करना है बच्चों आप लोग को विश्वास रखना है जब भी एग्जाम होगा आप अच्छी तरीके से तैयार रहेंगे ठीक है नेटवर्क नहीं है सर ठीक है बेटा नेटवर्क इशू अभी भी है क्या सभी को नेटवर्क इशू सभी को है अभी भी बोलो एक बार थोड़ा सा बेटा नेटवर्क शू है क्या सभी को अभी भी थोड़ा सा बोलना बेटा यहाँ तो मुझे सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है एक बार आप लोग भी रिफ्रेश कर लीजिएगा वीडियो को थोड़ा के कर ली सभी लोग अपने आखिर क्या लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों ठीक है आखिर है क्या चलिए उस काल मारे क्रोध के तन कांप ने उसका लगा उस काल मारे क्रोध के तन ने उसका लगा मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगह ठीक है बच्चों तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है बच्चों यहाँ पे भी आपका क्या है बच्चों यहाँ पे भी आपका क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार है सो बच्चों आज हमने क्या किया जो आपका था बच्चों कौन सा शब्द अलंकार उनको कवर कर लिया है अर्थालंकार कवर तो कर लिया है बच्चों तो अलंकार टोटली अब फिनिश्ड हो चुके हैं अभी अलंकार को कवर कर लिया बच्चों ठीक है क्या कर लिया है बच्चों सभी अलंकार को कवर कर लिया है बच्चों तो फिर क्या करेंगे कल की वीडियो में क्या पढ़ना चाहते हो सभी लोग कमेंट करो थोड़ा सा जल्दी से जाने के पहले बेटा ठीक है सभी लोग जाने के पहले बेटा कमेंट करो थोड़ा सा कल की वीडियो में क्या पढ़ना चाहोगे आज अलंकार खत्म हो गया है कल क्या पढ़ना चाहते हो छंद पढ़ना चाहते हो बेटा छंद पढ़ना चाहते हो क्या सभी लोग तो बोलो हम छंद पढ़ा दे आप लोग को कल ठीक है सभी लोग कमेंट करके बताओ छंद पढ़ना चाहते हो सभी लोग कल ठीक है कमेंट करो बेटा सभी लोग लास्ट क्लास मतलब लास्ट समय चल रहा है सभी लोग कमेंट, कर लो कमेंट, कमेंट करके बता क्या पढ़ना चाहोगे छंद पढ़ना चाहोगे सभी लोग कमेंट करो थोड़ा सा पढ़ना चाहोगे क्या कमेंट करके बताओ बेटा जल्दी से क्या पढ़ना चाहते हो सभी लोग कल ठीक है चलिए 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 ठीक है ठीक है ठीक है कल छंद शुरू करते हैं बेटा लेकिन आप लोग वादा करो कल लोग ठीक है जब आप लोग लाइव क्लासेस में आते हो बेटा तो हमारा भी मनोबल बढ़ जाता है हमारा भी बल क्या होता है बच्चों बढ़ जाता है और ज्यादा पढ़ाने का मन करता है और ज्यादा पढ़ाने का मन करता है बच्चों नहीं तो इतनी रात को आपके लिए दिन भर थकने के बाद भी मैं पढ़ा रहा हूँ और इतनी एनर्जी के साथ कभी भी आपको लगा कि एनर्जी मेरी डाउन हुई नहीं हुई बेटा ठीक है तो आप लोग क्या करेंगे सभी लोग कल के, के लाइव क्लास में जरूर आएंगे बच्चों ठीक है और सभी लोग को गुड नाइट ठीक है सभी लोग को बच्चों गुड नाइट यदि किसी का क्वेश्चन है तो मैं कुछ समय के लिए रुका हुआ हूँ ठीक है एक आध मिनट के लिए मैं रुक जा रहा हूँ किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हो किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मैं रिप्लाई देने के लिए यहां बैठा हुआ हूँ ठीक है चलिए बेटा ठीक है किसी का कोई कमेंट नहीं है किसी का कोई इशू नहीं है तो चलो ठीक है आई थिंक की आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा आप लोग ठीक है क्लास कैसा लगा बेटा कमेंट करके बताइएगा ठीक है सभी लोग मुझे बताइएगा क्लास कैसा लगा क्या मैंने आप लोग को अच्छा पढ़ाया मैं आप लोग को अच्छा पढ़ा पाने में सफल रहा हूँ बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा पढ़ाने की ठीक है कोशिश कर रहा हूँ बच्चों अच्छा पढ़ाने की ठीक है यदि आप लोग को कोई ठीक है डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा लेकिन एक चीज जरूर बता देना बेटा मैंने पढ़ाया कैसा है आप लोग को ठीक है जरूर बता दीजिएगा ताकि मेरा भी मनोबल आप बढ़ सके ठीक है आप लोग जरूर बताइएगा बेटा कि मैंने आप लोग को ऐसा पढ़ाया है ठीक है बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड ठीक है और 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 सभी लोग बच्चों जो लाइव हैं सभी लोग बताइएगा कैसा मैंने पढ़ाया आप सभी को ठीक है थोड़ा सा बता दीजिएगा बेटा जल्दी से आ, सर जी कहानी आता है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल कहानी आएगा और मैं पढ़ाऊंगा भी ठीक है और कोई बेटा बताओ जल्दी से कैसा पढ़ाया मैंने आप लोग को ठीक है अलंकार बता दीजिए ठीक है बेटा विप्सा अलंकार में कल के वीडियो में ठीक ठीक आज थोड़ा बहुत ज्यादा लेट हो गया है मैं कल के वीडियो में बिप्सा अलंकार बता दूंगा जो भी चीज पढ़ाऊंगा अलंकार में आप लोग को समझा दूंगा ठीक है अलंकार भी समझा दूंगा और भ्रांति वन अलंकार भी अभी समझाना है आप लोग को ठीक है ये दो चीजें मैं कल आप लोग को समझाऊंगा और कोई बेटा और किसी का कोई इशू क्लास ट्वेल्थ एजुकेशन बेटा क्लास ट्वेल्थ एजुकेशन सर से बात की है यदि वो बहुत जल्द चालू कर देंगे ठीक है क्लास ट्वेल्थ एजुकेशन चल जाएगा ठीक है और कोई किसी का क्वेश्चन बेटा ठीक है सर जी मॉर्निंग में क्लास लिए प्लीज दो ठीक है अभी नहीं हो सकता मैं आप लोग को ब्रह्म में नहीं रखूंगा अभी मेरे पास बेटा थोड़ी मॉर्निंग में प्रॉब्लम है मेरे आप लाइन के बच्चे भी प्यारे प्यारे से हैं ठीक है छोटे मोटे से नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जो मुझे बहुत ही पसंद है ठीक है और आप लोग भी बहुत पसंद हो तो ठीक है बेटा थोड़ी सी आप लोग को पता है ना ऑफलाइन तो मैं रात में ले नहीं सकता क्योंकि बच्चों को आना पड़ता है वहाँ पे पढ़ने के लिए तो ऑनलाइन हो सकता है बेटा इसलिए थोड़ी सी आप लोग भी प्रॉब्लम जैसे मैं फेस कर रहा हूँ थोड़ी सी आप लोग भी मेरे साथ ठीक है वो करो बेटा कर बोलते हैं ठीक है अप्रिसिएट करो ठीक है ठीक है थोड़ी सी आप लोग अप्रिसिएट करो ठीक है सुपर सर जी रीड करा थैंक यू थैंक यू ठीक है थैंक यू थैंक यू तो ज्योति सिंह जी मैं आप लोग को ठीक है मैं आपको स्पेशली बता दूं बेटा कि थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं क्या करूंगा रात को ही क्लासेस अभी ले पाऊंगा ठीक है और किसी का कोई क्वेश्चन चलिए तो चलते हैं बेटा ठीक है यदि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलते हैं और एक चीज बता दू बेटा जाते जाते सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा जाने से पहले मेरी बात को बेटा वीडियोज को शेयर कर दिया कीजिए सच बता रहा हूं आप लोग वीडियोज को शेयर कर दिया कीजिए यदि कोई टीचर बोलता है वीडियो शेयर कर दीजिए तो सच में आपको कर देना चाहिए ठीक है क्योंकि वो टीचर क्या है बच्चों कि एक आपके ऊपर विश्वास रखता है कि बच्चे हमारे लिए ठीक है हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे बेटा बस वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और दोस्तों में क्या कीजिए बच्चों ठीक है शेयर करने के बाद वीडियो पे एक लाइक जरूर दबा दीजिए ठीक है लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा ठीक है चंद ठीक है थैंक यू थैंक यू ठीक है एंड क्या है बच्चो मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों की लाइक वीडियो पे जरूर कर दिया कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइए बेटा घर में यदि किसी का फोन है तो सब्सक्राइब करवाइए फैमिली को अपने आगे बढ़ाइए ठीक है आप क्या कीजिए किसी का भी फोन मिल जाए सर उर्दू नहीं 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 बेटा सॉरी बेटा अभी उर्दू नहीं चल पा रहा है और उर्दू के टीचर भी अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास नहीं है यदि मिल जा रहे हैं तो मैं चलवा दूंगा ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ बेटा यदि आपको घर में भी किसी का फोन मिल जा रहा है किसी फ्रेंड का फोन मिल जा रहा है बेटा दोस्तों को शेयर कर दीजिए और उन फ्रोन से आप लोग सब्सक्राइब करवा दीजिए हमारे चैनल को ताकि आपका अपना परिवार है बेटा एक अच्छा और मुझे भी अच्छा लगेगा बच्चों ठीक है बच्चो, आपकी वजह से ही मेरा परिवार बढ़ेगा क्योंकि मैं आपके लिए इतनी रात को लाइव आके पढ़ा रहा हूँ बेटा ठीक है तो आपका भी कुछ कर्तव्य है और मेरा भी कुछ कर्तव्य है आप अपना कर्तव्य निभाइए मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ ठीक है बेटा सभी समझ गए बेटा सभी लोग समझ गए तो फिर चला जाए बेटा ठीक है चला जाए सभी लोग गुड नाइट बोलो बेटा मैं अपने तरफ से सभी को गुड नाइट बोल रहा हूँ चलो मैं लिख दे रहा हूँ गुड नाइट लिख दे रहा हूँ बेटा गुड नाइट सभी को लिख दे रहा हूँ और आप लोग भी क्या कीजिए कमेंट में लिख दीजिए ठीक है क्या कीजिए कमेंट में गुड नाइट लिख दीजिए और चला जाए बेटा ठीक है एंड चला जाए सभी लोग ठीक है तैयार हो बेटा चलने के लिए सभी लोग ठीक है सभी लोग तैयार हो सभी लोग गुड नाइट बोलो बेटा सभी लोग गुड नाइट बोलो जल्दी से अरे जबरदस्ती गुड नाइट नहीं बोलवा जबरदस्ती नहीं आपसे ठीक है लेकिन गुड नाइट बोल दोगे तो सबकी नाइट गुड होगी लाइव क्लास में बहुत देर से आए हो विपिन ठीक है ठीक है विपिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा आप आज लाइव क्लास में देर से आए थे क्या अभी पहला कमेंट आपका आ रहा है ठीक है कहा थे अब तक चलिए बेटा ठीक है तो फिर चलते हैं सभी लोग को गुड डाइट और मिलेंगे अब एक नई वीडियो में कल छंद के साथ बेटा किसके साथ मिलेंगे छंद के साथ तो चलिए ठीक है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल चलो बेटा ठीक है तो विपिन आप समय से आया कीजिए आप लोग बेटा मेरे प्यारे बच्चे हो आप लोग आओगे तभी तो मजा आएगा मुझे ठीक है आप लोग प्यारे बच्चे हो आप लोग से मुझे वो मिलता है मोटिवेट मिलता है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूँ किसी को तो कोई मुझसे पढ़ तो रहा है इससे मुझे मोटिवेट मिलता है बेटा ठीक है तो आप लोग क्या करेंगे लाइव क्लास में जरूर आएंगे और क्या करेंगे हाँ कोई काम है तो वो बात अलग है आप ऑफलाइन क्लास ले लेना बिपिन बेटा ठीक है ताकि आपका कोई नुकसान ना हो ठीक है क्लियर है बेटा चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड नाइट सभी लोग को और अपना ख्याल रखिएगा स्वस्थ रहिएगा मस्त रहिएगा फैमिली वालों की बात मानिएगा मम्मी पापा की बात मानिएगा बेटा अपने परिवार की बात मानिएगा अपने से बड़ों को आदर कीजिएगा अपने अंदर संस्कार लाइएगा ताकि आप क्या कर सके बच्चों कुछ अच्छा कर सके ठीक है बिल्कुल चलिए ठीक है कोई बात नहीं बेटा लेट हो गया कोई बात नहीं ठीक है अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए सभी को धन्यवाद बाय बाय गुड नाइट